सड़कें सिर्फ आवश्यकता, मांग, टेंडर, वर्क ऑर्डर से ही नहीं बनती है भाई साहब। कई बार सड़कों के निर्माण के लिए सरगिल के बलिदान होते हैं। ये देखिए आप, राजसमंद जिला मुख्यालय का दृश्य आप तक पहुंचा रहा हूं। दोइंदा में नई सीसी रोड बन रही है और इस सड़क में मैं कह रहा हूं किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि वो आए और ये कहे कि हमने बनवाई है। इस सड़क में सबसे बड़ा बलिदान किसी ने किया है तो वो इस सर्किल ने किया है। हालांकि इसके ऊपर लिखा हुआ है परशुराम सर्किल, वो मूर्ति आगे की तरफ लग चुकी है, अभी इसका भविष्य क्या है वो पता नहीं सर्किल का, मगर इसका वर्तमान ये कहता है कि इसने इस विकास के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। और मज़े की बात ये देखिए कि उस तरफ सीसी रोड बन गई, इस तरफ सीसी रोड बन गई, ना कभी नगर परिषद ने ये ज़रूरत समझी कि भैया यहाँ इतनी अव्यवस्था फैल रही है सड़क के निर्माण में या गाड़ियों के आने जाने से रेलिंगें टूट रही है, तो ना तो कभी उन्होंने इसको व्यवस्थित तरीके से कोशिश करने की संभालने की कोशिश की, ना ही ये जो सड़क बनाने वाले ठेकेदार साहब थे इन्होंने कभी सोचा कि यार मेरे इस सड़क निर्माण से इतनी अव्यवस्थाएँ फैल रही है तो नगर परिषद को सूचित करके ये रेलिंग मैं सही करवा दूँ। तब आज की जो स्थिति है वो आप देखेंगे। अगर ये देखिए आप, ये पाइप हर जगह से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, और पाइप के बिखरने से टाइलें टूट गई है। ग्रेनाइट कहते हैं कि बड़े अच्छा होता है, बड़े खूबसूरत लगता है, मगर ये सीसी के निर्माण में इस ग्रेनाइट ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, बलिदान दे दिया है ज़बरदस्त तरीके का। रेलिंग है ये, रोज़ मैं इधर आता जाता रहता हूँ, पहले थोड़ी फैली फिर ज़्यादा फैली, अब देखिए आप ये पाइप यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। किसी के चोट लग जाएगी तो लग जाएगी, क्या फ़र्क पड़ रहा है, अब कौन ध्यान दे रहा है इस पर, आम आदमी की जान की कीमत क्या होती है। तो कुल मिला के मामला ये है कि ना तो ठेकेदार साहब ने ज़्यादा कोई सुध ली है, ना उनको ज़्यादा कोई परेशानी, उनको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई है। उन्होंने कहा चलो सर्किल टूट रहा है, मेरी सड़क तो बन रही है, अपने बिल तो पास हो ही जाएंगे। ना नगर परिषद ने इतना लोड लिया कि अरे यार हमारा नया नवेला सर्किल था जिसकी शुरुआत भी नहीं हुई, बढ़िया जगह बनाया हुआ था, शहर में एंट्रेंस पे बना हुआ था, तो उसकी रेलिंग कम से कम संभाल के रख ले, उसकी टाइलों की थोड़ी चिंता कर ले, तो उन्होंने भी कुल मिलाकर की नहीं है। तो मैं ये एपिसोड हालांकि किसी को दोष देने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये तो भविष्य में कोई नया टेंडर बनेगा तो नए ठेकेदार को नया काम मिलेगा, नगर परिषद में भी फाइल आगे बढ़ाने रोकने की तमाम प्रक्रियाओं के दौरान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ें निकलेगी। एपिसोड सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि जब भी ये सीसी रोडें बन के तैयार हो जाए और लोग अपने वाहवाही लूटने के लिए आए, तब सभी को ये कहा जाए कि भैया इस सीसी सड़क के निर्माण में अगर किसी का सबसे ज़्यादा योगदान है, जिसने अपने प्राणों की बलि देकर इस सीसी रोड का निर्माण किया है, तो वो ये सर्किल है। सारा साधुवाद इस सर्किल को पहुँचे। आप सब लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।